करूंगी, मैं रुक जाऊंगी, मैं थक जाऊंगी, मैं झुकूंगी, नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी और मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। हेलो मेरे बाबू, ओ कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तुम्हारी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई एक्सपोज प्लस में रोस्ट वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू लोग आए हैं उनका मैं मोस्ट वेलकम करती हूं अपने चैनल पे। भैया वेलकम है आपको मेरे चैनल पे, प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करके मानोगे, हमारी जान लेके मानोगे? भैया सब्सक्राइब कर दो, जो भी मेरी पहली बार वीडियो को देख रहे हो बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। हाँ बिल्कुल। तो भैया आज हम बात करेंगे, जो रिएक्शन आया है नेहा का, सुमित का, नेहा के भाई का, जो भी कुछ हुआ है उसमें ही हम रोस्टिंग करेंगे, उनकी कुछ एक्टिंग करेंगे और आपको हंसाने की कोशिश करेंगे, कुछ सीरियस बात भी करेंगे। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा, लेकिन तुमको हंसाएंगे ज्यादा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने मेरी शुरू में जो मैंने थोड़ी सी लगाई है, बाकी लास्ट में लगा दूंगी मैं पूरी, उसमें जो नेहा है वो ये कह रही है कि मैं भी जवाब दूंगी, मैं भी कतई ना मानूंगी, बिल्कुल भी ना मानूंगी, मैं आऊंगी कतई बिल्कुल खा पी के और बिल्कुल हर एक चीज का जवाब दूंगी, अपनी बातें रखूंगी, इंसाफ होगा। जो बात नेहा ने कही है, अब नेहा को भैया, नेहा के भैया ने नौ कही है के अपने ब्लॉग चैनल पे, भैया नुको मोह ना है कई चीज से, मतलब नुको मैं तो अपनो ब्लॉग चैनल डालूंगा, बात हुई होगी ऐसी के भैया नेहा ने कही होगी अपने भैया ते। देखियो नुको ये कितनी बड़ी बेइज्जती करने लग रही है मेरी, आर यू मनीषा, आर यू सचिन है, ये मेरी झंड उड़ा रहे हैं, देखियो यूट्यूब पे हल्ला मच रो है और तेने तो मूछ मुड़वाने की कही है। नेहा को भैया फुल गुस्सा में नुको ए चल बन जाए ऐसे, सेटिंग तू करे है, मजे तू ले, मूछ मुड़वाऊ मैं, कोई सेंस है इस बात की? आई बड़ी मेरे अभी छोरी हुई है, मैं छोरिया देखूं क्या तो देखूं? अच्छा तो मूछन की सेटिंग तू करे और मूछ मुड़वाऊ मैं, तेने तो भुआ सेटिंग कर ली, मेरे पे छोरी कहाँ ते पट जाएंगी अगर मैं मूछन ने मुड़वा दूंगा तो। बात तो सही है या गांड फटे तो फटे पर नवा भी ना घटे। तो भैया यू डोर है नेहा के भैया को, नेहा के भैया ने कतई नु कह दिया होगी, भाग जा तू निकल जा मरे गए, बस बहुत होगी तेरी सेटिंग पैटिंग, तेने बड़ी मेरी बेइज्जती करवा रखी है, तेने कतई थकवा रखा ना, मुंह दिखाने के लायक ना रहे हो, मेरी छोरी हुई है, मैं छोरी की खुशी देखता हूं, इधर तू आ गई खसमन ने लेकर दुनिया भर के, मैं किस किस ते निमटू, मैं तो अपने ब्लॉग डालूंगा, मुंह तो यार छोरी के लिए टोपी कुर्ता भी लेके आनी है, तेरों कहा है तू तो इनका समय लगी ही रहेगी। के बाद नेहा के भैया ने ब्लॉग डाला, वहां मैं कही नुको मो कोई मतलब ना भैया, मैं तो ब्लॉग बनाऊंगा जब दुनिया मजे ले रही है पैसा ही पैसा होगा यहाँ दीदी, कोई काई को ना है, सब पैसान को खेल है, जब ही तोते कही सेटिंग पैटिंग के चक्कर में ना लगे करें, जैसे जैसे तू सेटिंग के चक्कर में पड़ रही है ना, ऐसे ऐसे तेरी नाक टेढ़ी होती जा रही है, अब तो सुधर जा, इधर यू हल्का दीदी है, पैरों में हो 150 की चप्पल पर फोन चाहिए एप्पल भैया हल्का नया ड्रामा लेके आई है सैरोगेसी को, भैया हल्का को दिमाग ऐसी हगते हगते भी ना नौ दिमाग लगाती होगी कि आगे क्या करना है, कितने रुपया खाए तेने, मोह तो ऐसा लगे एक समोसा खवा दिया होएगा ना भाई, मैं भैक्की होएगी बाबरी सी दुनिया जा रही है नेहा के अगेंस्ट, वो उसका हल्का का हमेशा उल्टा ही होता है, वो उल्टी चलती है हमेशा, उसकी गंगा हमेशा उल्टी बहती है, तो भैया ऊंचा ऊ सपोर्ट कर रही है नेहा है। अब ये फोन पे दिमाग लगा रहे होंगे, दीदी क्या करना है, दीदी नु कहाँ बताओ क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ये दुनिया रिएक्शन वाले रिएक्शन दे रहे हैं, सब लोग वीडियो बना रहे हैं, बता नुको क्या क्या करना है। जब वो नेहा कह रही होगी कोई बात ना, तू ऐसे कर सैरोगेसी को बहानो बना दे, मैं आ जाऊंगी दो चार दिन बाद, ठीक है, मैंने कही होगी नुक मेरे भैया पे छोरी हुई है, अभी इनको थोड़े लड्डू पेड़ा से खा लो, इतने तू निमटा ले, ठीक है दीदी ऐसा है, इनको 10,000 रुपया फोन पे कर दो तुरंत। अच्छा उसके बाद अलका ने लिया एक्शन और एक्शन का आया ऐसा रिएक्शन के लोग अन्य बाकी दे चप्पल कमेंट में, भैया रात के रात अलका ने तुरंत वो वीडियो हाइड कर दी सैरोगेसी वाली, नुक धर ले अपने 10,000 रुपया ने, नुक लोग मेरा जूता मार रहे हैं, नुक मैं कहा करूंगी इन 10,000 रुपया को, और कह तो ऐसी है यू के यू हक के गांड पे हाथ फेर दिया होएगा या ना, खागी होगी 10,000 रुपया ने, खागी नहीं यहाँ तेरे पैसा ने, यू बेईमानी कर गई तो बेईमान है यू अलका, खागी तेरे पैसा ने, खाओ माँ कसम, या तो अच्छो नेहा तू मोह देती ना 10,000 रुपया, रो नो पीट नो कर देती, हाय हाय हाय
नेहा ही सही है और कोई सही ना, नेहा ही सही है, यू है वो है, सचिन पे 100 इल्जाम लगा देती भाई साहब, 10,000 रुपया में ना तेरा 10 लाख को सो काम कर देती, तू मोते कहती तो कम से कम एक बार बता तो देते ने, विश्वास करो या खचड़ी पे है या खचड़ी पे अलका पे, क्या मैं गोबर खाने को सो तो दिमाग भी ना आए, बैबरी गेंद में आई बड़ी रिएक्शन वाली, तेरे वहां पे चप्पल पड़े ना तो बना दूंगी रिएक्शन वाली। भैया अंकुश या कि जात जोतने लग रहा हो, कतई लिपस्टिक लगा के, यार तू लिपस्टिक लगा रहा हो तू, वाई मैं लिपस्टिक लगा रहा हूँ, वहां मैं खकार फेंक रहा हूँ, है तुमने बड़ी दुर्गति कर रखी है, तुम ना बताओ कोई खानो खाते खाते देखा तुम्हारी वीडियो में तो कितना रोटी भी छोड़ जाएगा आदमी, है ऐसा रोस्ट करे करे है। अरे तू जा रही। दूसरी बात यू कि जमीन पे मतलब दूध फैला के भाई चाटने लग रहा हो, है तुम्हारे लिए भाई इन यूट्यूबर ते ना बड़ी दुखी हूँ मैं भाई, इन्हने चाहिए डॉलर, चाहे जमीन पे ना कुछ भी चाटना पड़े, यू चीज प्रूव कर दी अंकुश ने भाई साहब, उसपे मतलब दूध डाल के एक तो अपनी खुद की बेइज्जती करवा रहा है कि भाई हल्का ने कही कि दूध चाट यहाँ से, तो हाँ जी दीदी दूध चाटूंगा भैया, दूध जमीन पे और जीव ते चाटने लग रहा बाबरी गैंड, तुम बने यूट्यूबर, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम, हल्का कहेगी थूक चाट जाता तू थूक चाट जाएगा, हाँ बिल्कुल ना, वाने कम्युनिटी लगा दी कि मैं मतलब चप्पल चाट ले मेरी तो तू वहाँ के घर जाके चप्पल चाटन लग जाएगा, या के वहाँ पे चप्पल और दे दे के मार जो चप्पल खाने के लायक है। दूसरी बात भैया लाइव में बैठा था वहाँ पे आया था वुमेन हेल्पलाइन को नंबर जाने, झूठ बोल रहा हो सच बोल रहा हो, एक तो ना या यूट्यूब पे मोह तो मैं तो इन यूट्यूबरन पे विश्वास करूँ ना हूँ भैया, तो भैया भैया के दौरे अंकुश के पास आयो फोन, दीदी जी दीदी, और हंसेगा कैसे थे हंसे ना, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई ना, वो खुद ही कह रही रोस्ट करने की कह रही, नौना कह रही कि तू जमीन में थे और वह दूध चाट जाइयो, ऊपर तो अपनी महतारिया परेशान कर रहो, वह खिड़कियां बजा रहो, हर महतारी अंदर ते कह रही होगी जा परे क्या सोने दे आराम से, तुम बने यूट्यूबर, क्योंकि बड़े बूढ़े ने तो समझ में आ ही ना है कि यूट्यूब क्या होता है, वीडियो बनाना क्या होता है। बात तो सही है। क्या अब बात कर लेते हैं हमारे सुमित जीजू की, हिक्की पिक्की जानते हो कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी, तो हमारे ये जो जीजू हैं ये आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अब पूछो कैसे, मगर क्यों बात ना हम धोते हुए बताएंगे, तो भैया ऐसे कि भैया यान ने सबसे ज्यादा आदिवासी हेयर ऑयल का इस्तेमाल किया था भाई, इतना ना पूरी बॉडी में या कि मैं वजन ना जितना या कि बालन में ही वजन होएगो, यहाँ पे चुटिया कर ले भैया, आदमी है मर्द हो मर्द बन के रहो भैया, देखो नेहा के भैया है देख लो, मूछ मुड़वाने की कई ऐसा बिल में घुसा पड़ा कतई बाहर निकलने को नाम ना ले रहो, डर गई। अगर तुम्हें आदिवासी हेयर ऑयल को रिजल्ट देखना हो तो सुमित जीजू की टांट पे देखो रिजल्ट, मैं नहीं दिखाऊंगा भी बात है भैया, कल उसकी वीडियो देखी हमने सुमित जीजू की, अब जीजू कह के मैं आके तो जाने कितने खसम है, किस किस का जीजू बना मैं, कभी कुछ दिन पहले वहा भैया बना के याने सैया बना लियो, अब यार भैया जीजू ही दुनिया भर के हो जाएंगे, मुझे चक्कर आने लग गया, इतने जीजू सेहत के लिए हानिकारक रहे मैं तो भैया, वो जीजू कल बेड पे बैठा था उसका दोस्त था, भैया तेरी जब बात अंत जब ही पता लगी जब तू नेहा है बहन जी कह रहो है कि रिश्ता यू टूटो ही पड़ो है, दूसरी बात यू के हाथन में ते रिंग गई वाके में ते सुमित के हाथन में रिंग ना है वाते भी पता पड़ रही है, तीसरी बात यू थोड़ा कहना इतना दुख है और शर्म, आपको एक चीज रियल बता देती हूँ, जो आदमी शर्म का होगा ना वो कभी भी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेगा, याद रखना अगर कोई लेडीज मिल जाए आपको या कोई लड़की मिल जाए या बचपन से कोई आपका बच्चा हो बता देना कमेंट करके, अगर आपका कोई बच्चा या बहन या फैमिली में से कोई भी रिश्तेदारों में से या फ्रेंड सर्कल में से भी कोई लड़की या लड़का या बच्चा ऐसा हो जो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता हो, उसका नेचर होता है शर्मीला, वो इंसान शर्म का बड़ा पक्का होता है, तो भैया कल सुमित की हमने जो वीडियो देखी वहां में तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि आपकी आंखों में आंखें नहीं डाल रहा है, इधर उधर लेफ्ट राइट इधर उधर, मतलब बंदे ने एक भी बार कैमरे की माई नजर नहीं की, इससे साफ पता पड़ता है कि उसको कितनी शर्म आ रही है और कितना वो शर्मिंदगी फील कर रहा है वो इंसान, वो आदमी आपसे नजर ही नहीं मिला पा रहा जबकि उसकी कोई गलती ना भैया,
कोई गलती ना है बाकी, बस यू है कि वाने जगत दीदी पे कुछ ज्यादा भरोसा कर लिया, बस यू ही तो गलती है, बाकी तो कोई गलती ना है। वो बंदा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, वो भी कम ना है भाई, भी यूट्यूबर भुआ चाहिए ही कि हाँ मैं यू शादी करूंगा तो यूट्यूबर तो करूंगा पर ना कतई नहीं करूंगा। ये भी मेरी गलती है। हे भैया यूट्यूबर है छोड़, कोई सीधी सी संस्कारी सी छोरी ले गरीब घर की, बढ़िया जो इज्जत करे तेरी। ये यूट्यूबर फूटूबरन में कुछ भी ना है और कुछ ना रखो इन बातन में, कटोरा आ जाएगा हाथन में। जो कुछ है प्रिया दीदी की वीडियो ही देखने में, तो भैया नए हो तो मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल है कतई सब्सक्राइब कर दियो, बिना सब्सक्राइब करे जाओगे तो पाप चढ़ेगा, तो मैं देख लियो तुम। और कमेंट करके जरूर बताइयो अपनी टिप्पणी, जरूर देना कमेंटों में जो भी आपकी राय है इन सब कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर। आपको क्या लगता है नेहा क्या लाने वाली है, आगे क्या खुलासा करने वाली है? ऐसा खुलासा तो नहीं करने वाली है कहीं जिससे सचिन की गांठ फटती डोले। वीडियो है लाइक जरूर कर दियो, तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट 9 बजे वाली वीडियो में, और 11 बजे लाइव आऊंगी। जिसको भी पैनल पे आना है वो उसका मोस्ट वेलकम है। भैया एक चीज और, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले, तुमने उस जगत माता तो 1 मिलियन पर चोटी पे ले जाके बैठा दी पहाड़न पे। हम जैसे गरीब आदमी है, गरीब आदमी इनकी तुम्हें कोई मतलब वैल्यू ना आए है ना, ना हम खचरी है, ना हम खचरी है गए तुम्हारी नजर में। उठा ले रे देवा। तो भैया जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो 2-4 दिन में, ताकि मैं केक कट कर सकूं। एम रखते हैं संडे का, ओके चलो संडे तक जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो। ओनली 450 सब्सक्राइबर कम है, तो जल्दी से करवा दो। जो भी नए मेरी वीडियो को देख रहे हैं भैया सब्सक्राइब कर लो, हंसने को खूब मिलेगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। What?